हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर बेसिक नॉलेज हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम एमएस वर्ड में कुछ फार्मूलाज लगाना सीखेंगे कि किस प्रकार हम एमएस एक्सेल की तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कुछ फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको लेआउट टैब में जाना होगा और फार्मूलाज पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक फार्मूला शो हो रहा है, इक्वल सम लेफ्ट, यानी कि इस सेल जिस सेल में आपका कर्सर है उसके लेफ्ट साइड में जितनी भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी उन सबका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अब इसमें रोल नंबर का टोटल भी आ चुका है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर से आप फार्मूलाज पे जाएंगे। इस लेफ्ट की जगह आप यहाँ पर लिखेंगे उस सेल की वैल्यूज, हिंदी के जो नंबर्स हैं वो कौन से सेल में पड़े हुए हैं। अगर हम कॉलम वाइज देखें तो सी, और अगर हम रो वाइज देखें तो वन एंड टू, यानी कि किसके अंदर पड़े हुए हैं, सी टू, और इंग्लिश के मार्क्स आपके इसमें हैं डी टू के अंदर। ओके करेंगे और यहाँ पर अब आपके सामने हिंदी और इंग्लिश का टोटल आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आप कोई भी फार्मूला कीबोर्ड से यूज़ करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल F9 का यूज़ करेंगे, इक्वल दबाएंगे, आप फार्मूला टाइप करेंगे एवरेज ब्रैकेट, और वही हिंदी के मार्क्स किस में हैं, सी टू के अंदर, और इंग्लिश के मार्क्स किस में आपके, डी टू के अंदर। और अगर आप इसे अपडेट करना चाहते हैं कीबोर्ड से तो आप प्रेस करेंगे F9 और यहाँ पर आपको एवरेज शोएबल हो जाएगी। एवरेज को निकालने का एक और तरीका है, आप फिर से कंट्रोल F9 प्रेस कीजिए, इक्वल लगाइए। अब आप देख लीजिए जो टोटल है आपका कौन से सेल में पड़ा हुआ है। अगर हम कॉलम वाइज देखें तो ई और इधर से टू, तो हम लिखेंगे ई टू और डिवाइड नंबर ऑफ पेपर्स, नंबर ऑफ पेपर कितने हैं आपके पास, हिंदी और इंग्लिश, यानी कि टू। और इसे फार्मूला को अपडेट करने के लिए हम लैपटॉप से अगर कर रहे हैं तो फंक्शन F9 का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप मिनिमम का फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्या प्रेस करेंगे, फिर से कंट्रोल F9 इक्वल फार्मूला लिखिए, आप मिनिमम ब्रैकेट वैल्यूज लिखेंगे हम सी टू कॉलन डी टू ब्रैकेट बंद, और F9 का फिर से यूज़ करेंगे, इसे अपडेट कर देंगे फार्मूलाज को। इसी प्रकार मैक्सिमम कंट्रोल F9 इक्वल मैक्स ब्रैकेट सी टू कॉलन डी टू ब्रैकेट, फिर से फंक्शन F9 आप यूज़ करेंगे। इस प्रकार सभी के सभी फार्मूलेज हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर हम अपने सब्जेक्ट्स की वैल्यू में कोई भी चेंजेस करते हैं, सपोज़ कीजिए हमने यहाँ पर हिंदी के मार्क्स 85 कर दिए, तो ये अपडेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटोमेटिकली सभी फार्मूलाज में हो जाता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो अब आप क्या करेंगे, सभी फार्मूलाज को सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करेंगे और जो भी इसके अंदर अपडेशंस होगा फार्मूलाज में वो हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।